क्या राम नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर सकते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रामायण में राम सेतु बनाते टाइम जिन जिन पत्थरों पर राम लिखा हुआ था ना, वो पानी में तैर रहे थे। तो आज ये मैं भी करने वाला हूँ। मैं बाहर चला जाता हूँ एक पत्थर लेने के लिए। जैसे मुझे पत्थर मिल जाता है, मैं जाता हूँ घर पे और इसे ना धोने लग जाता हूँ, और अच्छे से साफ करने के बाद मैं इसे ना सुखाने लग जाता हूँ। सुखाने के बाद राम जी का इस पे नाम लिखता हूँ। बहुत प्यारा सा पत्थर भी बहुत साफ हो गया था गाइस। और एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दो गाइस। और फिर मैं चला जाता हूँ बाहर, एक तालाब है मेरे इधर, उधर ना ये पानी में डालने के लिए। तो यार मैं आ जाता हूँ, फिर उसके बाद ना ये पानी में डालने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, सब्सक्राइब करना। और ये मैंने पानी में डाला। अरे यार ये तो डूब गया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा गाइस। आप लोग कमेंट में बताओ क्यों डूब गया ये।